नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल चौबे, प्रभारी प्राचार्य एमजे कॉलेज भिलाई, आप सभी का स्वागत करता हूँ। नए एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी बातों को सामूहिक किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख बातों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे सर्वप्रथम इसमें एक नए एकल संस्था द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट है, जो लाइट एंड टाइट टैगलाइन के साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समाहित करता है। इसके अंदर चार अलग अलग वर्टिकल्स होंगे, चार अलग अलग विभाग होंगे, जो रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन, फंडिंग और स्टैंडर्ड्स को देखेंगे। यह संस्था व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को गवर्न करती है। इस एजुकेशन पॉलिसी की हायर एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशील कदम यह है कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के समूह को स्थापित करने की ओर है। जैसा कि प्राचीन भारत में होता था, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय थे, जिसमें देश विदेश के छात्र छात्राएँ विविध मल्टी डिसिप्लिनरी वातावरण में पढ़ाई करते थे। उसी प्रकार हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को बढ़ावा देने पर जोर है। अब यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की परिभाषाएं बदल जाएंगी। यूनिवर्सिटीज़ वे होंगी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स के साथ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन में पीजी और रिसर्च प्रोग्राम चला सकते हैं। वहीं पे कॉलेज अब एक ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में होंगी, जो फिर से मल्टी डिसिप्लिनरी यूजी कोर्सेज का संचालन करेंगे। अब इंस्टीट्यूट ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम का संचालन कर सकते हैं। कोर्स करिकुलम अधिक से अधिक इमेजिनेटिव और फ्लेक्सिबल होंगे। इस एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिस्टम को प्रस्तावित किया गया है। जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस 4 ईयर्स के होंगे और फर्स्ट ईयर पास कर लेने पे सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन, सेकंड ईयर करने पे डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन, थर्ड ईयर पास करने पे ग्रेजुएशन और फोर्थ ईयर क्रॉस करने पर रिसर्च ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसी प्रकार पीजी कोर्सेस 1 या 2 वर्ष के होंगे। जो विद्यार्थी 3 वर्ष ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करके आएंगे, उन्हें 2 साल का पीजी कोर्स करना पड़ेगा, और जो 4 ईयर रिसर्च ग्रेजुएशन करके आएंगे वो केवल 1 साल में पीजी कोर्स कंप्लीट करेंगे। अब स्टूडेंट असेसमेंट केवल एकेडमिक आधार पर ना होकर के समग्र योग्यता और प्रतिभा के आधार पर किया जाएगा। फैकल्टी रिक्रूटमेंट और फैकल्टी एम्पावरमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। फैकल्टीज़ के लिए 4 ईयर कोर्सेज का भी सुझाव दिया गया है। किसी भी एजुकेशनल सिस्टम का आधार स्कूल शिक्षा होती है, जिसे इस नए एजुकेशन पॉलिसी में विशेष स्थान दिया गया है। अभी तक जो चलता रहा था स्कूल एजुकेशन सिस्टम 10+2 सिस्टम था, अर्थात 12 साल सरकार हमारे स्कूल शिक्षा पर नज़र रखती थी। अब ये 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 पैटर्न में हो गया है, अर्थात अब सरकार 15 साल तक स्कूल शिक्षा पे नज़र रखेगी। बच्चों का प्रवेश 3 वर्ष के उम्र से ही स्कूल में हो जाएगा, और शुरू के 5 साल मतलब प्ले ग्रुप से लेकर के क्लास 2 तक प्री प्राइमरी क्लासेस होंगी, जिसमें वो खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके बाद के जो 3 साल होंगे, मतलब क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक, जिसे हम प्राइमरी क्लासेस कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई उनके मदर टंग लैंग्वेज होगी। और उसके बाद के जो 3 साल होंगे, जिसे हम मिडिल स्तर कहते हैं, क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक, इसमें मदर टंग के साथ साथ कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज को भी सेलेक्ट करना होगा। और अच्छी बात यह है कि इन मिडिल स्कूल्स में वोकेशनल कोर्सेज का भी इंट्रोडक्शन होगा, वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाएंगे, ताकि विद्यार्थी स्वावलंबन बनने की ओर यहीं से अग्रसर हो जाएं। इसके बाद
4 साल क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक अलग अलग स्ट्रीम का सिलेक्शन स्टूडेंट खुद कर सकता है। वो सब्जेक्ट का चलन अपने चॉइस के हिसाब से करेगा। और इसमें 2 लैंग्वेजेस मतलब मदर टंग और एक इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ एक फॉरेन लैंग्वेज भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। इस प्रकार क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 2025 तक उपलब्ध कराए जाने का प्लान है। छत्तीसगढ़ जो निम्न आय स्तर के प्रदेश में जिनकी गिनती होती है वहाँ 5 में से 1 ही बच्चे को ठीक से स्कूल शिक्षा प्राप्त हो पाती है। और गरीब परिवार के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन तो नसीब भी नहीं होता। जिन्हें होता भी है उसमें भी अप्रशिक्षित शिक्षक, भीड़ भाड़ वाले स्कूल, हतोत्साहित करने वाले वातावरण आदि सब प्राप्त होते हैं, जिससे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का स्तर गिरता है। नए शिक्षा नीति में 100% पंजीयन और प्री स्कूल से सेकेंडरी स्कूल का लक्ष्य 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। फ्लेक्सिबल करिकुलम से बच्चों पर बोझ कम पड़ेगा और की कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के नियुक्ति के लिए भी वैकल्पिक प्रावधानों और शिक्षकों के सेंसिटाइजेशन पर ध्यान केंद्रित किया गया है।